दरभंगा में बढ़ते अपराध और पुलिसिया निष्क्रियता के खिलाफ पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा के नेतृत्व में आईजी के समक्ष प्रदर्शन किया। पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा द्वारा आईजी कार्यालय को 7 सूत्री मांग सौंपा गया। वहीं उन्होंने कहा कि रजवाड़ा में जब हाईकोर्ट से केवल 9 घर उजाड़ने का आदेश था तो फिर 50 घर को क्यों उजाड़ दिया गया। आगे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिया आईजी को कि फुटेज आधारित कार्रवाई हो, लेकिन पुलिसिया भ्रष्टाचार के कारण 3 महीने से बेकसूर माले नेता पप्पू खा को जेल में बंद करके रखा गया। 1 सप्ताह के भीतर उजाड़े गए दलित गरीबों का पुनर्वास और पप्पू खा की रिहाई नहीं होने पर विधानसभा के समक्ष विशाल प्रदर्शन करेगी माले। पिछले 6 महीने से आपृत देवकुली धाम निवासी कृष्ण कुमार शर्मा की शीघ्र बरामदगी, कमतौल थाना कांड में ग्रामीणों पर लादे गए झूठे मुकदमे वापस लेने और नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी, बिरौल थाना के बुआरी गांव में ग्रामीणों पर हुए बर्बर पुलिसिया लाठीचार्ज की जांच तथा दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई, दहेज हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी आदि भिन्न भिन्न मांगे थी। दरभंगा से अशोक ठाकुर। जो अपराध का इलाका बनता जा रहा है, अपराध की राजधानी बनती जा रही है, दलित गलित अकलियतों पर हमले बढ़ रहे हैं, इसके लिए जिम्मेवार यही है कि पूरा तंत्र ही भ्रष्ट हो गया है, पूरा पुलिसिया तंत्र भ्रष्ट हो गया है और भ्रष्टाचार में ही सब लोग संलिप्त है। अपराध पर किसी का कोई ध्यान नहीं है, गली दलित गरीब मजदूरों के अधिकार पर इनका कोई ध्यान नहीं है। तो ऐसे मसले जो हैं इसको हम लोग और बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये हमारा आंदोलन जारी है और आंदोलन तेज होगा और न्याय नहीं मिलने पर हम इस न्याय की आवाज़ को पटना और विधानसभा तक पहुँचाएंगे। अपनी सरकार है, फिर भी आप प्रशासन से देखिए, हम ये महागठबंधन की सरकार है और महागठबंधन की सरकार के नाते हम उसके हिस्सा हैं, लेकिन हम लोगों ने नीतीश जी से, तेजस्वी जी से भी इस बात को रखा है कि हम लोग जनता के सवालों पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, जनता के मुद्दे के सवाल पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार और पुलिसिया दमन के सवाल पर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हमने सरकार के सामने रखा है कि यदि आपकी सरकार, यदि महागठबंधन की सरकार प्रो पीपुल ढंग से एक्ट नहीं करेगी, दलित गरीब अकलियतों के सवाल पर संवेदनशील होकर के नहीं एक्ट करेगी, अपराधियों पर कार्रवाई नहीं करेगी, तो हम स्वतंत्र हैं सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। हम सदन में भी घेरेंगे और बाहर सड़कों पर भी हमारा आंदोलन होगा। धीरेन्द्र झा, भाकपा माले, पोलित ब्यूरो के सदस्य। एक मिनट में आप भी बोल दीजिए, एक मिनट फिर नहीं होगा, टीवी पे नहीं चल पाना।